आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन ऑफ रोबोट। रोबोट कैसे काम करता है, ठीक है। हम रोबोट के कुछ वीडियोस भेजे आप लोगों को, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे हमारा इमीडिएट रूप को सपोर्ट करता है। और हम बताए थे रोबोट बोलिए, रग बोल्ट बोलिए, रॉक एनफोर्समेंट बोलिए, एक ही चीज है, क्योंकि रॉक मास की प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देता है, ठीक है ना। ये एक्टिव सपोर्ट है, यहां तक क्लियर। तो रोबोट के एक्शन को जानने के लिए, समझने के लिए तीन थियरीज अवेलेबल है। देर आर थ्री थियरीज अवेलेबल टू नो द एक्शन ऑफ रोबोट और प्रिंसिपल ऑफ रोबोट की तीन थियरीज है, बीम थियरी, की स्टोन थियरी और सस्पेंशन थियरी। एक की स्टोन थियरी को कहीं कहीं पे किंग थ्योरी लिखे रहेगा, वही समझिएगा। एक जिसने थियरी दिया उनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है किंग थ्योरी, ठीक है। एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इन तीनों थियोरी में से सबका अपना अपना, सभी थियोरीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये जो पहला थियोरी है बीम थियोरी, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, इसको बहुत ज्यादा मान्यता मिली है। बहुत लोग मानते हैं कि जो रोबोट काम करता है वो इस तरीके से काम करता है, इस थियोरी में जो बताया उसकी उस तरीके से काम करता है, ठीक है। बीम थियोरी, बाकी थियोरी को भी हम देखेंगे। तो हम आपको ये थियोरी बताने के पहले हम ये फिगर को समझाएंगे। ऐसा फिगर आप लोग बनाइएगा, ये जो फिगर है इसको हम समझाएंगे अभी। ये यदि आप बना दीजिएगा, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, कितना सेंटेंस, वन टू थ्री, तीन सेंटेंस में थियोरी को समझाना है। लेकिन यहां जो कुछ लिखा हो, यहां सब कुछ बोला जा रहा है इस फिगर के माध्यम से, और आपको भी समझ आएगा, और आप जिसको समझाना चाह रहे उसको भी समझ आएगा। ये फिगर बनाइएगा, ठीक है। ये फिगर को और ये थ्योरी को समझाने के पहले देखिए क्या है, स्केल है, इसके दोनों एंड को हमने इस टाइप के सपोर्ट कर दिया जाए, तो समय के साथ क्या होगा, ये जो अपना स्केल का अपना वजन है, इसके अपने वजन से ये सेगिंग होने लग जाएगा, झुकने लग जाएगा, क्या होगा, बीच से झुकने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। और यदि इसके ऊपर और कुछ वजन रख दे तो ये जल्दी सेगिंग होगा और टूट जाएगा। लेकिन इसी टाइप के 50 स्केल को, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 50 स्केल को एक के ऊपर एक रख दिया जाए और सब को एक साथ बांध दिया जाए और उसको इस टाइप के सपोर्ट से हम टांग देते हैं, ठीक है, सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या होगा, ये अपना तो वेट संभालेगा ही, इसके ऊपर और कुछ भी वेट रख दे तो एक निर्धारित वेट तक ये स्केल उस वेट को संभाल लेगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक के बजाय और ढेर सारी स्केल को एक साथ बांध दिया और बांध के एक मोटा बीम बना दिया। क्या बना दिया, मोटा बीम। तो बीम थियरी ना है। अब देखिए, अब ये फिगर को देखिएगा आप लोग, बड़े ध्यान पूर्वक फिगर को देखिएगा। ये कोल सीम है, हमने एक रास्ता बनाई, ये क्या बनाया, हमने एक रास्ता बनाया, एक गैलरी बनाया, एक रोड ड्राइव किया है, ठीक है। और जो फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ है, एफईआर जिसको बोलते हैं, उसमें हमने क्या लगा दिया, बोल्ट लगाया। ये क्या है, ये रूफ बोल्ट लगाए, ये हम चार गो पिक्चर में दिखाए हैं। रूफ बोल्ट के यहाँ पर क्या करते हैं, एकदम रूफ से सटा हुआ एक बेरिंग प्लेट लगाते हैं, बेरिंग प्लेट के बाद एक नट लगाते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट का एक वीडियो भेजे, उसमें देखिएगा, ठीक है। तो ये बोल्ट लगाया, अब यहां देख रहा आप क्या है, यहाँ पर ये इमीडिएट रूफ है, ये इतना क्या दिखाया हम, इतना जो इमीडिएट रूफ दिखाया है, ऊपर वाला क्या दिखाया, सेल्फ सपोर्टिंग मेन रूफ, इसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत बार बोले हैं कि हमको सपोर्ट किसका करना है, इमीडिएट रूफ का करना है। इमीडिएट रूफ इस कोल सिंह के ऊपर कितना मोटाई का मानते हैं, मैक्सिमम 6 मीटर, लेकिन हमारे लिए प्राइम कंसर्न होता है 2 मीटर, इस कोल सिंह के ऊपर का 2 मीटर का। और जहां पर 2 मीटर से ज्यादा आपका प्राइम कंसर्न होगा वहां पर रूबोल्ट नहीं लगाएंगे, वहां केबल बोल्टिंग करेंगे,
वहां क्या करेंगे, केबल बोल्टिंग करेंगे। तो ये आपका कोल सीमा, ये गैलरी है, गैलरी से ये रूप एक्सपोज हुआ तो हमने यहां लगा दिया रूप बोल्ट। अब देखिए यहां क्या दिखाया है फिगर में, पतला पतला तीन लेयर्स दिखाया है, उन तीन लेयर्स को क्या किया इस रूप बोल्ट ने, सबको एक साथ बांध दिया, बाइंड कर दिया, बाइंड मतलब बांधना, बाइंड कर दिया। अब ये एक एक जो ये एक लेयर था जिसके ऊपर हम पेंच लगा, देखिए ये एक लेयर था ऐसा, एक दो तीन चार मतलब ढेर सारी लेयर हो सकती है, ये लेयर को क्या किया इस रूप बोल्ट ने, एक साथ बांध दिया। अब ये कितना बड़ा बीम बन गया, ये एक के बजाय इतना बड़ा बीम बन गया, बना ना दिख रहा ना, इतना बड़ा बीम बन गया। तो इस थ्योरी में क्या बोलता है, ये थ्योरी में यही बोलता है कि रूप बोल्ट जो है तीन लेयर को आपस में बांध देता है जिसमें से कि रूप बोल्ट गुजरता है, ठीक है, और बांध के क्या करता है, एक मोटा बीम बनाता है। ये मोटा बीम जब आप बन जाएगा तो ये अपना वेट को तो लोड संभालेगा ही, साथ में इसके ऊपर का भी जो वेट यदि है उसको भी संभालेगा, ठीक है। इतना ही इस थ्योरी में लिखना है, क्या लिखा है देखिए बीम थ्योरी में, इट इज ए वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, क्या लिखा है, इट इज ए वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। रूप बोल्ट बाइंड, देखिए एक यहां पे अंडरलाइन किया हम, एक यहां अंडरलाइन किए और यहां तीन जगह, ठीक है। रूप बोल्ट बाइंड, बाइंड मतलब बांध देना, कस देना, रूप बोल्ट बाइंड द थीन लेयर्स, ये पतले पतले लेयर को क्या कर रहा, बांध दे रहा एक साथ, टूगेदर, टूगेदर मतलब एक साथ, रूप बोल्ट बाइंड द थीन लेयर्स टूगेदर, रूप बोल्ट जो है एक पतले पतले लेयर को एक साथ बांध दे रहा, टूगेदर मतलब एक साथ, थ्रू विच द बोल्ट प्रोसेस, किसको बांध रहा है एक साथ, थ्रू विच द बोल्ट प्रोसेस, जिनमें से बोल्ट पास हुआ है, ठीक है। एंड देखिए वहां लिखा है एंड, दिख रहा है एंड, फॉर्म ए थिक बीम, और क्या बना लिया, पतला पतला लेयर जो था उस ढेर सारा लेयर को एक साथ में बांध दिया तो एक मोटा बीम बना दिया, क्या बना दिया, एक मोटा बीम बना दिया, एंड फॉर्म ए थिक बीम, एंड दिस थिक बीम, ये जो थिक बीम बना रूप बोल्ट के बांधने से, इट विल सपोर्ट नॉट ओनली इट्स ओन वेट बट ऑल्सो सम हेवी वेट ओवर इट, ए डब्ल्यू टी लिखा, इसको वेट लिखेगा डब्ल्यू आई जी एस टी, ठीक है। इतना ही इस थियरी में है, कुछ है कुछ नहीं, क्या बोला बीम थियरी बोलता है कि रूप इमीडिएट रूप में पतला पतला यदि लेयर है, यदि वहां से हम बोल्ट पास करते हैं तो ये सारे पतले लेयर को रूप बोल्ट एक साथ बांध करके एक मोटा बीम बनाता है, और ये जो मोटा बीम बना ये अपना वजन तो संभालेगा ही, साथ ही साथ इसके ऊपर का भी यदि कुछ वजन इसके ऊपर है उसको भी संभालेगा। ये क्या हुआ आपका बीम थ्योरी। अब कीस्टोन थ्योरी और सस्पेंशन थ्योरी, हम कीस्टोन थ्योरी और सस्पेंशन थ्योरी दोनों को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे ताकि वीडियो की लंबाई न बढ़े।